हेलो स्टूडेंट, आई एम रामबाबू पांचाल। यू आर वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग मिनरल्स। नाउ स्टार्ट। मिनरल्स, इट्स टाइप्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स इम्पोर्टेंस एंड इट्स कंजर्वेशन। सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल सब्सटेंसेस। धरती के नीचे बहुत गहराई में जो पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं उनको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के डीप में होते हैं और जिनको हम खोद कर निकालते हैं। समटाइम्स दे आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉइल इरोशन। कहीं कहीं पर यह जो मिनरल्स होते हैं वो धरती के ऊपर भी पाए जाते हैं और उसका मेनली जो रीजन होता है वो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के कारण जो सॉइल की लेयर्स होती हैं वो वहाँ से हट जाती हैं और जिसको हम आसानी से मिनरल्स को सीन कर सकते हैं। नेचर हैज़ डिपोजिटेड देम वेरी डीप इन द अर्थ। प्रकृति ने इनको धरती के अंदर छिपा के रखा है। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द ओल्ड रॉक्स। ज़्यादातर जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वह ओल्ड रॉक्स में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। करंट में यदि हम देखें मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीरियड में विवाद चल रहा है तो उसका मेन बेसिस आपके मिनरल्स होते हैं। मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज, शिप्स, हाई बिल्डिंग्स, different types of weapons, coins and other metallic things be used, all are the gift of minerals substances. कारखानों में लगी हुई मशीनें, ships, high buildings, many types of weapons, coins and other things आज जिनका भी हम यूज़ करते हैं वो सभी मेटल की बनी हुई होती हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मेटल्स का या जो मिनरल्स का जो यूजेस है वो मल्टीपल यूज है। मिनरल्स आर द बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स उसके लिए मेन बेस कवर करते हैं। There would have been no industrial production and development if we were not having metals and minerals. देश में औद्योगिक विकास का ये आधार होते हैं, लेकिन जिस देश के पास ये नहीं होती है, इनकी कमी होती है, प्रायः उस कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। In ancient times, when man was not aware of metal and power resources, ancient time में जब man इनसे परिचित नहीं था, metal से और mineral से, he made use of stones and other hard substance for him. तो वह कोई अन्न जो stone के बने होते थे या कोई hard substance के things का use वह करता था। Today मैन इज अवेयर ऑफ मैनी मिनरल्स। लेकिन अभी करंट में देखें तो आज मानव जो है हर प्रकार के मिनरल से परिचित है, उसके यूजेस जानता है। एवरी कंट्री इज इम्पोर्टिंग द मिनरल्स इम्पोर्टेंस फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हर देश अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उनका वो एक्सपोर्ट करता है, उनको मंगाता है, उनको इम्पोर्ट भी करता है।
जो उसके पास ज़्यादा हैं उनका एक्सपोर्ट करता है, और यदि कुछ मिनरल्स जो उसके कंट्री में अवेलेबल नहीं हैं तो वह उनको अदर कंट्री से इम्पोर्ट करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मिनरल्स के ही बेस पर वह अपनी कंट्री का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकता है। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट मेटालिक मिनरल्स एंड सेकंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं इसमें जो मेटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सफिशियंट होता है, और जिन मिनरल्स में मेटल का प्रेजेंटेशन उनकी उपस्थिति कम होती है वह नॉन मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो मेटालिक मिनरल्स हैं इसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नंबर वन फेरस एंड नंबर टू नॉन फेरस। जिनमें लोहे की अधिकता ज़्यादा होती है, आयरन ज़्यादा होता है, वो फेरस मेटल, एंड जिनमें आयरन की प्रेजेंटेशन उनकी उपस्थिति कम होती है उनको नॉन फेरोस मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सम कॉमन फेरस मिनरल्स आर आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन। सम नॉन फेरस मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, टिन, जिंक एंड बॉक्साइट एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं मेटलिक कैटेगरी में वही आते हैं जिसमें आयरन और की जो उपस्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिनमें नहीं होती वो नॉन मेटलिक कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर डायमंड, माइका, कोल, साल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन एसेट्रा। इंडिया हैज़ रिजर्व ऑफ मिनरल्स वेल्थ। भारत में खनिज संपदा के बहुत बड़े भंडार हैं, मतलब यदि देखा जाए तो इंडिया के पास जो मिनरल्स हैं वो बहुत हैं। ऑलमोस्ट All variety of minerals are found in our country. लगभग सभी प्रकार के जो minerals हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू contain rich deposits of minerals and is known as minerals wonder of world. इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेटू है जिसका extent आपका झारखंड एंड बिहार, उड़ीसा का जो एरियाज है वहाँ पर है, उसको दुनिया का अजूबा कहा जाता है, विश्व का खनिज आश्चर्य, मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड। इस एरिया से इंडिया 40% मिनरल्स आर फाउंड हियर, यहाँ से 40% मिनरल्स अचीव करता है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन सम मिनरल्स एंड सम मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से टोटल मिनरल्स का 40% अचीव करता है छोटा नागपुर प्लेटू से, और उसका यूज करने के बाद, हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद, जो भी आपका मिनरल्स जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको हम फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन फॉर मिनरल्स। अब जो छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से आपके स्टेट हैं, तो उसमें बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा का एरियाज लगा रहता है। लेकिन यदि हम स्टेट वाइज सभी स्टेट का परसेंटेज देखें कि कौन सा स्टेट कितना परसेंट मिनरल्स प्रोवाइड कराता है या उसका प्रोडक्शन करता है, तो उसमें बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट्स 37%। दोनों ही राज्य मिलकर बिहार एंड झारखंड 37% मिनरल्स का प्रोडक्शन करते हैं। वेस्ट बंगाल 22% एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 16% मिनरल्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, उनके टाइप्स देखेंगे, उनका यूजेस देखेंगे एंड उनके
स्टेट देखेंगे कि किस स्टेट में इस मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है। अवर फर्स्ट मिनरल्स इज आयरन ओर, लोहा अयस्क। आयरन, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। करंट में यदि हम देखें तो पूरा ही वर्ल्ड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का है, और उसका जो मेन बेस है, जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपका आयरन ओर है। अर्थात आयरन ओर के बगैर किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंडिया रैंक 8 इन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट विथ रिगार्ड टू हाई ग्रेड आयरन ओर इट रैंक 2nd। यदि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में 8th रैंक पर आता है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, लेकिन यदि हाई क्वालिटी के आयरन ओर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का उसमें जो नंबर है वह आपका 2nd है। देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ आयरन ओर, लोहा इस्पात 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हेमेटाइट, 2nd मैग्नेटाइट, 3rd लिमोनाइट एंड 4th सिडराइट। हेमेटाइट, इट इज़ रेड एंड ब्राउन कलर। जो हेमेटाइट कलर का होता है वह रेड एंड ब्राउन कलर का होता है। कंटेन 60-70% ऑफ आयरन, जिसमें 60-70% तक आयरन होता है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन और फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया। यह हाई क्वालिटी का आयरन होता है और इंडिया के लगभग एवरी एरियाज में, मतलब जहाँ जहाँ आपका आयरन ओर पाया जाता है वहाँ पर आपका ये तो पाया जाता है, हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर। इट इज़ फाउंड इन एक्वस रॉक्स। एक्वस रॉक भी होती हैं जो पानी में डूबी होती हैं, जलमग्न चट्टानों में ये मुख्यतया पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट ओर। 2nd मैग्नेटाइट, इट इज़ ब्लैक कलर्ड, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, मैग्नेटिक आयरन। यह ब्लैक कलर का होता है और इसमें जो है आयरन ऑक्साइड अधिक पाया जाता है। कंटेनिंग 72% ऑफ आयरन, इसमें आयरन की जो है 72% तक प्रजेंट रहता है। इट इज़ फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, यह अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। मेनली फाउंड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये मुख्य रूप से कर्नाटक एंड तमिलनाडु जो आपके साउथ के स्टेट हैं उन्हीं में पाया जाता है। 3rd है आपका लिमोनाइट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड आयरन। ये लिमोनाइट कैटेगरी का होता है, इसमें ऑक्सीजन, वाटर और आयरन के मिश्रण से बनता है। इसमें जो है इट कंटेन 40-60% ऑफ आयरन, इसमें 40-60% तक आयरन होता है। इट इज़ येलो इन कलर एंड फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, इसका जो कलर होता है वह येलो कलर होता है और ये सेडिमेंटरी रॉक्स, परतदार या अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। लास्ट है आपका सिडराइट आयरन, दिस इज ऑल्सो नोन एज आयरन कार्बोनेट, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। यह इसको आयरन कार्बोनेट के नेम से भी जानते हैं, इसे मेनली आयरन एंड कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। इसका जो कलर है वह ब्राउन कलर का होता है, इट इज़ ब्राउन इन कलर। 10-48% ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन इट, इसमें 10-48% तक आयरन होता है। माइंस ऑफ आयरन और कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन्स। यदि हम इसके एरियाज देखें तो पूरी इंडिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्व का क्षेत्र, इसमें मेनली आपका छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया आ जाता है। 2nd है आपका सेंट्रल इंडिया रीजन, इसमें आपका एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड महाराष्ट्र का जो एरिया है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। पेनिसुलर प्लेटू में आपके आंध्रा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु का एरिया।
एंड अदर रीजन में इसके बाद भी यदि कोई बचता है तो जैसे हम नॉर्थ में देखेंगे तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट में साउथ में देखेंगे तो केरला के एरियाज इस रीजन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो छोटा नागपुर प्लेटू की आपकी लोकेशन है, द मेन आयरन रिजर्व ऑफ सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट आर मनोहरपुर, पासराबुरु, बुढ़ाबुरु, गुआ एंड नोवा मंडी। ये जो एरियाज हैं ये झारखंड स्टेट के हैं। झारखंड स्टेट का जो सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके ये एरियाज हैं, मनोहरपुर, पासराबुरु, बुढ़ाबुरु, गोवा एंड नोवा मुंडू। इन उड़ीसा आयरन रिजर्व आर लोकेटेड इन गुरु महिसानी, सलाईपट, बादाम पहाड़ी इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और उड़ीसा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसके जो एरियाज हैं गुरु महिसानी, सलाईपट, बादाम पहाड़ी, ये उड़ीसा के एरियाज हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं। सेकंड है आपका सेंट्रल इंडिया रीजन। इन दिस रीजन आयरन रिजर्व आर लोकेटेड इन गोवा, और गोवा के में कोई स्पेशली एरिया नहीं है लेकिन सेंट्रल इंडियाज रीजन में फर्स्ट आपका गोवा है। सेकंड एमपी का कौन सा है, इन जबलपुर, मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इन दुर्ग, राजगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आर दिल्ली एंड राजहारा एंड बेला डीलास ऑफ बस्तर आर फेमस। द आयरन द माइंस ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट आर दिल्ली, राजहारा एंड बेला डीला ऑफ बस्तर आर फेमस। द आयरन माइंस आर आल्सो लोकेटेड इन उदयपुर, भीलवाड़ा, डोंगरपुर एंड बूंदी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यदि हम सेंट्रल इंडिया रीजन के वो स्टेट देखें तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका रत्नागिरी एंड चांदा डिस्ट्रिक्ट फेमस है। राजस्थान में डूंगरपुर, भीलवाड़ा, गोवा, छत्तीसगढ़, ये 4-5 स्टेट्स हैं जो सेंट्रल इंडिया रीजन के अकॉर्डिंग आते हैं। पेनिनसुलर रीजन्स, पेनिनसुलर रीजन्स में हम साउथ के ओनली 3 स्टेट लेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन दिस रीजन आयरन रिजर्व्स आर लोकेटेड इन गोवा, ये आपका सेंट्रल रीजन का था। पेनिनसुलर रीजन इन कर्नाटका, कर्नाटका में कहाँ पर डिपॉजिट्स ऑकर इन चिकमंगलूर, बेल्लारी, नॉर्थ कन्नड़ एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स। कर्नाटका में ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तिरुचिरापल्ली, सलेम, साउथ अरकाडु डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये रीजन था। एंड आंध्र प्रदेश और आर स्केयर्ड थ्रू अनंतपुर, कुर्नूल एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो साउथ इंडिया के ओनली 3 स्टेट हम लेंगे, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा अदर रीजन। अदर रीजन में इसके बाद भी यदि कोई रीजन रिमेनिंग है तो वो रीजन लेंगे। स्मॉल डिपॉजिट ऑफ द ओर आर फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा में ओनली महेंद्रगढ़, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जम्मू एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन नागालैंड। और नागालैंड के भी कुछ एरिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल्स है वह है मैग्नीज ओर।
तो यदि आप इसको अलग करके समझेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि जिस एरिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है सेम उसी एरिया में मैग्नीज ओर का प्रोडक्शन भी होता है। मैग्नीज और आयरन ये दोनों एक ही ओर की कैटेगरी में आते हैं, और जिस भी ये रॉक्स में पाए जाते हैं उसमें परसेंटेज देखा जाता है, मतलब या तो उसमें आयरन होगा या उसमें मैग्नीज होगा। मैग्नीज के साथ ही आयरन और एक साथ ही एक रॉक में पाए जाते हैं, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है वो उस कैटेगरी में चला जाता है। तो इनके एरिया भी सेम होंगे। मैग्नीज हैज वैरायटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर इट इज नोन एज जैक ऑफ ट्रेड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठी टाइप का बन जाता है कि जैक ऑफ ट्रेड्स किस मिनरल्स को कहा जाता है, वो मैग्नीज को कहा जाता है, क्योंकि इसका मल्टीपल यूज होता है, और मल्टीपल यूज होने के कारण ही मैग्नीज को जैक ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हमारी सेकेंड रैंक है मैग्नीज के प्रोडक्शन में। 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेयर। टोटल वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का 19% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। मेटल विच कंटेन मैग्नीज एंड आयरन बोथ इन एक्सेस इज नो एज फेरो मैग्नीज एलो, एंड व्हेन इट इज लेस देन 5% इट इज कॉल्ड फेरो एलो। तो वही बात है कि किसी भी रॉक में या तो मैग्नीज पाया जाएगा या आयरन पाया जाता है, जिसमें 5% से कम मैग्नीज के अंश होते हैं तो वह आपका आयरन ओर की कैटेगरी में जाता है, और जिसमें 5% से अधिक होते हैं उसको मैग्नीज ओर की कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, मैग्नीज आर यूज ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब इसके यूजेस देखते हैं, तो इसका जो यूजेस होता है वो स्टील इंडस्ट्रीज में होता है, आयरन इंडस्ट्रीज में होता है। व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द आयरन स्ट्रॉन्ग स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड। इसे जो है आयरन के साथ मिक्स करके उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी एंड स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू क्लीन ग्लास, टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, बैटरीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। इसका मेनली जो यूज किया जाता है वो शीशे को साफ करने में, पेंट्स में, ड्राई बैटरी बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और अदर केमिकल्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मैग्नीज डिपोजिट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। सीधा गिवन मैप, मैप को हम बाद में देखेंगे। तो इसके जो एरियाज हैं वो वही एरिया रहते हैं जो आपके आयरन ओर के हैं। फर्स्ट सेंट्रल इंडिया रीजन, सेकंड आपका पेनिनसुलर रीजन एंड थर्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमने आपको छोटा नागपुर का प्लेटू बताया था, और आपके जो स्टेट थे वो झारखंड एंड उड़ीसा, तो ये स्टेट आपके यहाँ भी रिपीट होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन दिस रीजन डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज और आर लोकेटेड इन सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड क्योंझर, गंजाम, सुंदरगढ़ एंड बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो स्टेट आपके वही हैं जो आयरन ओर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस आपकी चेंज हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट आपके और स्टेट बाकी सेम रहेंगे। सेकंड पेनिनसुलर, तो लास्ट में करेंगे, उसके पहले सेंट्रल इंडिया रीजन देखते हैं। दिस रीजन कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल मैग्नीज प्रोडक्शन इन इंडिया। सेंट्रल का जो रीजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से टोटल मैग्नीज का 50% प्रोडक्शन होता है। हम केवल स्टेट देखते हैं अब आगे। द डिपॉजिट्स इन महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन भंडारा, रत्नागिरी एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, खेड़ा एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड उदयपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ
राजस्थान, तो इसके भी वही के वही एरिया सेम है जहाँ पर आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, वहीं पर ही मैंगनीज ओर का भी प्रोडक्शन होता है। लास्ट है हमारा पेनिनसुलर रीजन, द डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज और इन कर्नाटका आर इन नॉर्थ कनारा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेल्लारी एंड तुमकुर डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। इट ऑकर्स इन विशाखापट्टनम, कुडप्पा एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ माइका मिनरल्स, इट इज़ फाउंड इन ओल मेटाफॉर्मिक रॉक्स। जो माइका होता है वह मेटाफॉर्मिक रॉक्स में पाया जाता है। मेटाफॉर्मिक रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? वे रॉक्स होती हैं जिनका रंग कलर चेंज हो जाता हो, उनकी क्वालिटीज़ भी चेंज हो जाती हो, ऐसी रॉक्स को हम मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। तो इन्हीं मेटाफॉर्मिक रॉक्स में माइका पाया जाता है। एम से एम आप यदि कोरिलेट करेंगे तो माइका एंड मेटा, ये आपका एम से एम मैच हो जाएगा। इट इज लेयर्ड, लाइटर एंड ब्राइट। यह लेयर में होता है, लाइट होता है एंड ब्राइट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, चमकदार होता है। इट हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक फार्माक्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, टेलीफोन, रेडियो, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स एसेट्रा। तो माइका का जो यूज है वो बहुत सारी फील्ड में होता है, मेडिसिन में होता है। माइका का यूज मैनी फील्ड्स में किया जाता है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइका। इंडिया कंट्रीब्यूशन 26% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। टोटल वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 26% होता है, और पूरी वर्ल्ड में इसकी हमारी रैंक भी सेकंड है। तो अभी तक हमने थ्री मिनरल्स देखे हैं, आयरन और मैंगनीज एंड माइका, और तीनों ही मिनरल्स में हमारी जो वर्ल्ड में रैंक है वो सेकंड नंबर की है। इन इंडिया माइका रिजर्व आर कॉन्फाइंड टू बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। बिहार एंड झारखंड, अब देखिए झारखंड में आपका आयरन ओर भी था, मैंगनीज भी था, माइका का प्रोडक्शन भी वहीं होता है। बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। यदि हम इसके सबसे फर्स्ट रैंक पर स्टेट देखें कि माइका में कौन कौन से स्टेट माइका प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर हैं, तो आपका बिहार एंड झारखंड आ जाएंगे। यहाँ पर टोटल इंडिया का 60% माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ माइका ऑकर इन गया, बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर एंड हजीराबाग। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मुंगेर एंड गया में सबसे ज़्यादा होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द वर्ल्ड फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट वाइट माइका इज़ फाउंड इन बिहार। बिहार में जो माइका का प्रोडक्शन होता है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और ये वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ के जो माइका होता है इसको रूबी माइका के नाम से भी जाना जाता है। देयरफोर इन माइका इज बिहार इन नोन एज रूबी माइका। माइका इज़ फाउंड इन नीलगिरी, मदुरई, कोयमटूर एंड सलेम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है नेल्लोर, गुंटूर, विशाखापट्टनम एंड वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। हियर द कलर्स ऑफ माइका इज ग्रीन। आंध्र प्रदेश में जो माइका का प्रोडक्शन होता है वह ग्रीन कलर का होता है। इज ईजली आइडेंटिफाइड, जिसको आसानी से देखा जा सकता है।
इन राजस्थान इट इज़ फाउंड इन भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्स, ग्वालियर डिस्ट्रिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, बस्तर डिस्ट्रिक्स ऑफ छत्तीसगढ़, हसन डिस्ट्रिक्स ऑफ कर्नाटका, पुन्नालोर डिस्ट्रिक्स ऑफ केरला, महेंद्रगढ़ एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्स ऑफ हरियाणा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आल्सो हैव डिपॉजिट्स ऑफ माइका। नाउ कॉपर ओर, कॉपर इज फाउंड इन मेटाफॉर्मिक रॉक्स, माइका भी आपका मेटाफॉर्मिक्स में पाया जाता है और कॉपर भी आपका मेटाफॉर्मिक्स रॉक में पाया जाता है। अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, टीन, लीड, गोल्ड एसेट्रा आर आल्सो मिक्स्ड विद कॉपर। कॉपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तो जिस रॉक्स में हमें कॉपर मिलता है उसी रॉक में अदर भी और पाए जाते हैं, जिसमें आपका टिन है, गोल्ड है, लीड, सिल्वर, ये सभी उसके साथ पाए जाते हैं। और कॉपर जो है वो फ्लेक्सिबल धातु है, मतलब आसानी से मुड़ने वाली। इट इज़ रेड ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन कलर की होती है। अदर मेटल व्हेन मिक्स विद कॉपर फॉर्म्स ए न्यू मेटल, यदि हम इसमें कोई अदर मेटल को मिलाएंगे तो एक न्यू मेटल आपकी बन जाती है। देयरफॉर कॉपर इज कंसिडर्ड एज की मेटल, इसलिए इसको धातुओं की कुंजी कहा जाता है, की मेटल्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अदर मेटल के साथ ये आसानी से मिक्स हो जाती है और एक नई मेटल कन्वर्ट हो जाती है। कॉपर इज यूज इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम, इसका जो यूज है वो एंशियंट टाइम से ही हो रहा है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, अटेंसिल एंड कॉइन, और इसका जो बहुत सारे पर्पस में इसका यूज होता है, मेनली इसका इलेक्ट्रिशियन में होता है, केबल्स में होता है, कॉइन्स में होता है और बर्तनों में होता है। अब किस धातु में इसको मिलाकर कौन सी एक नई धातु बनाई जाती है जिसके कारण इसको की मेटल्स कहा जाता है? कॉपर में यदि हम जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बन जाएगा, पीतल। यदि कॉपर में हम लीड को मिलाएंगे, रांगे को मिलाएंगे तो ये ब्रॉन्ज, कांसा बन जाएगा। एंड कॉपर में यदि हम गोल्ड को मिलाएंगे तो आपका रोल्ड गोल्ड या बलिश सोना एक नई आपकी और आपका बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, इंडिया रैंक थर्ड, कॉपर में हमारी जो रैंक है वो थर्ड नंबर की है अमोंग द कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कॉपर प्रोडक्शन में हमारा जो नंबर है वह थर्ड नंबर पर है। मेजर डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, अलवर, झुंझुनू, बांसवाड़ा एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, इन कुल्लू एंड कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये वो एरियाज थे जहाँ पर आपके कॉपर का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारी जो आयरन ओर है, मिनरल्स है भाई आपके बॉक्साइट। बॉक्साइट इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल्स, बॉक्साइट जो है भाई अधातु खनिज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स के जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत कम रहता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एल्युमिनियम, इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। इंडिया प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड रिजर्व, बट इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक 9th। इसके यदि हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी में देखें तो इंडिया में इसके बहुत भंडार हैं, लेकिन इसके प्रोडक्शन में देखें तो हमारी जो रैंक है वो 9th नंबर की है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन रांची एंड पलामू ऑफ झारखंड, बालाघाट, जबलपुर एंड मंडला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश,
कोल्हापुर, ठाणे, बीड, रत्नागिरी, सतारा एंड कुलाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड। इट इज़ द प्रेसियस मेटल एंड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉइन, ज्वेलरी, मेडिसिंस एंड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जो गोल्ड है भाई आपकी प्रीशियस मेटल है, अमूल्य धातु है, मूल्यवान है। इसका जो यूज होता है वो मेनली कॉइन्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, मेडिसिन बनाने में एंड केमिकल पर्पज से भी इसका यूज किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल गोल्ड। पूरे वर्ल्ड के टोटल गोल्ड के प्रोडक्शन का इंडिया में ओनली 2% इसका प्रोडक्शन होता है। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया में केवल दो तरीके से प्राप्त होता है, आर्टिफेरस लॉड डिपॉजिट्स एंड एलुवियल और डेटिटल गोल्ड और प्लेजर डिपॉजिट्स। एक तो इसकी जो रॉक्स होती हैं उससे प्राप्त होता है, जो स्वर्णकाली शैलें होती हैं वो जरूर शैलें होती हैं, ये वहीं से मेनली आपको प्राप्त होता है। एक तो स्वर्णकाली शैलें और एक जलोढ़ शैलें। अब इसकी एरिया यदि हम देखें इन कर्नाटका, इट इज़ फाउंड इन द धारवाड़ रॉक्स ऑफ कोलार डिस्ट्रिक्ट। हेयर कोलार इज मेन माइन। किसकी है? गोल्ड की। पूरे इंडिया की कोलार माइन जो है वो मेन है। इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट माइन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज 2736 मीटर डीप। यह पूरी वर्ल्ड की सबसे गहरी खान है। इसकी जो गहराई है वह आपकी लगभग 3000 किलोमीटर डीप है राउंड फिगर में। कोलार गोल्ड फील्ड प्रोड्यूसेस 99% गोल्ड ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री का। वैसे तो हमारी कंट्री में 2% होता है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन उस 2% का 99% आपका कोलार माइन, ये कर्नाटक में इस माइन से होता है जो पूरी वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट है। इसके बाद आपका जो बचा 99% के बाद जो 1% है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? गोल्ड फील्ड्स आल्सो आर इन रामगिरी इन आंध्र प्रदेश, बेनद इन केरला एंड सलेम इन तमिलनाडु, प्लेजर डिपॉजिट ओकर इन झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, एलुवियल डेट्रियल गोल्ड इज फेमस इन द सेंड ऑफ रिवर स्वर्ण रेखा ऑफ झारखंड। झारखंड की जो स्वर्ण रेखा रिवर है उसके सेंड में भी ये पाया जाता है एंड सुभाषी रिवर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सुभाषी रिवर्स जो अरुणाचल प्रदेश की है उससे भी ये अचीव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल्स है वह आपका डायमंड। इट इज़ द वेरी प्रीसियस एलिमेंट्स। यह भी अत्यंत मूल्यवान खनिज है। इट इज इनिटियली फाउंड इन इंडिया। इसकी खुदाई सबसे पहले भारत में हुई थी। कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड नो। भारत का जो हीरा है कोहिनूर हीरा जो है वह वर्ल्ड फेमस है। इन इंडिया डायमंड माइंस आर इन पन्ना, सतना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो डायमंड का प्रोडक्शन होता है वो ओनली एमपी में होता है, जिसमें पन्ना है, सतना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनली होता है। मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया। पूरी इंडिया में हम बात करें तो एमपी की जो रैंक है वो फर्स्ट है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन अनंतपुर, गुंटूर, कुडप्पा, कुरनूल, कृष्णा एंड गोदावरी जनपद ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बेल्लोरी जनपद ऑफ कर्नाटका। तो इसका जो कुछ भाग है वह आपका कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में भी होता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन
चंद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र में भी होता है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बांदा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये हमारे मेन मिनरल्स थे। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है। अदर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर सिल्वर, लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, इल्मेनाइट, जिप्सम, जिंक, काइनाइट, मोनोजाइट, साल्ट एंड लीड। लेकिन इनका इतना ज़्यादा नहीं होता। मेनली जो हमारे थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनरल्स आर ए वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। खनिज प्रकृति का एक गिफ्ट है, नेचर का एक गिफ्ट है और वैल्यूएबल गिफ्ट है। दे आर फाउंड इन करोड़ ऑफ ईयर एंड आर लिमिटेड। लगभग कई करोड़ वर्षों से ये खनिज धरती के अंदर तैयार होते हैं। मैनेज एक्सप्लोटिंग नेचर फॉर डेवलपमेंट ड्यू टू विथ क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इज डिक्रीजिंग। इट्स इल इफेक्ट कैन बी सीन बाय द एंड ऑफ 21st century। विकास के नाम पर मानव ने प्रकृति का दोहन किया है और जिसके कारण जो मिनरल्स की जो नंबर्स है, जो उनकी क्वालिटी है, वो धीरे धीरे क्वांटिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि 21st century तक लगभग ये आपके नष्ट हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन फॉर एक्सप्लोटिंग वैल्यू एंड यूजफुल मिनरल्स हैज इंक्रीज सो मच दैट वन कंट्री में इनवेट द अदर। नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्बिंग ड्यू टू एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल्स वेयर एज ओवर यूज ऑफ दीज मिनरल्स सब्सटेंस इंक्रीज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल सब्सटेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो जिस टाइप से एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर रही है और उसका मेन क्या है, मिनरल्स, तो खनिजों का जिस तरीके से ये दोहन हो रहा है, इनका यूजेस हो रहा है, रैपिडली इनका यूज हो रहा है और यूज होने के कारण एनवायरनमेंट में मैनी टाइप्स के आपके पॉल्यूशन जनरेट हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि न्यू जनरेशन के लिए फ्यूचर में इन मिनरल्स का बच पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें इनका कंजर्वेशन की आवश्यकता है। नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब इनका हम कंजर्वेशन किस टाइप से कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर वन, एवरी कंट्री शुड रिलीज दैट दिस वेल्थ ऑफ नेचर इज आल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशंस। प्रत्येक राष्ट्र यह समझ ले कि प्रकृति की यह संपदा आने वाली पीढ़ी के लिए है। देयरफोर इसलिए द एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल्स इन द रेस ऑफ इकोनॉमिक जनरेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी लिमिटेड सो दैट ए बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर इज मेंटेन्ड। इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर दें, कम कर दें, जिससे क्या होगा, ह्यूमन क्वालिटीज शुड नॉट बी डेट्यूरेटेड ड्यू टू कॉम्पिटिशन। ईच कंट्री शुड ट्राई टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज मिनरल्स विद द फीलिंग्स ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। यदि इस पर्दा को छोड़ दें तो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो विश्वबंधुत्व की भावना रखकर हर देश खनिज के वैकल्पिक साधन तलाशे, उसके सब्स्टिट्यूशन कोई और मेटल्स या सब्सटेंस तलाशे। नंबर सेकेंड, मिनरल्स विच आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी यूज्ड। वातावरण दूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स सब्सटेंस शुड बी सर्च ऑफ।
कि आप ऐसे मिनरल्स या ऐसे सब्सटेंस को सर्च करें जो मिनरल्स के सब्स्टिट्यूट हों। एंड लास्ट, यूएन यूनाइटेड नेशंस शुड मॉनिटर द एक्सप्लोटेशन एंड यूज ऑफ मिनरल्स बाय द कंट्रीज। और जो यूनाइटेड स्टेट है बाय एवरी कंट्री पर क्या करें, उनको देखें, उनकी मॉनिटरिंग करें, जिसके कारण वह जो है मिनरल्स का एक्सप्लोटेशन ना कर पाए। आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मिनरल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक्स। थैंक्स फॉर द टाइम।